जम्मू कश्मीर के एयरलाइंस पर बरसी साध्वी गीता प्रधान, कहा देशद्रोहियों को दी जाए फांसी। जम्मू कश्मीर में बने गुपकार एयरलाइंस पर योगी सरकार से जुड़ी साध्वी गीता प्रधान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग देशद्रोह जैसी बात कर रहे हैं उन्हें देश निकाला दे देना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए जेल में डालकर फांसी की सजा देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में एससी एसटी आयोग के सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने जम्मू कश्मीर के गुपकार एयरलाइंस से जुड़े नेताओं को जेल में डालने की बात कही है। दरअसल पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति गुपकार एलायंस के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि अब कांग्रेस भी एलायंस का हिस्सा है। इसी को लेकर साध्वी गीता प्रधान ने नेहरू परिवार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, ये परिवार शुरू से ही भाजपा को बदनाम करने का षड्यंत्र करता रहा, अब ऐसे गैंग का हिस्सा बन गया है जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात कर रहा है। साध्वी, राहुल और प्रियंका गांधी भी अब उसका हिस्सा है। ये सब भाजपा को बदनाम करने में लगे हैं और वो तो केंद्र मोदी सरकार से मांग करती है कि ऐसे गैंग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। जो भी देश के खिलाफ काम करे उसे देश निकाला दे देना चाहिए और फांसी की सजा देनी चाहिए। देखिए, नेहरू खानदान की पुरानी आदत रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो पूरे देश के सामने है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 उठाते वहाँ के नागरिकों को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस की मिली भगत के कारण कांग्रेस जो है वो वहाँ के लोगों से मिल गई है और वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, देश को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। और ये नेहरू खानदान की आदत रही है कि भाजपा को किस तरीके से बदनाम किया जाए, और वो बदनाम करने का दोनों बहन भाई राहुल प्रियंका जी और पूरा संगठन ये कार्य कर रहा है। जो ये गैंग उन लोगों ने बनाया है ये केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के साथ सख्त सख्त कार्रवाई करके और उन्हें जो है जेल पहुंचाना चाहिए, उन्हें जो है फांसी की सजा होनी चाहिए और देश से ऐसे लोगों को निकालना चाहिए जो सरकार को और देश को बदनाम करने का काम करते हैं।